हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हीरो नेटवर्क में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर बैडमिंटन के फोरहैंड्स और किकिन हॉक की फाइट होती है तो इन दोनों में से कौन इस फाइट का बैटल का विजेता होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना अपना वक्त गवाए। चलो भाई, इंट्रो। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोरआर्म्स की। तो दोस्तों, फोरआर्म्स की पावर्स एंड एबिलिटीज पे नजर डालते हैं। तो फोरआर्म्स की पहली पावर है दोस्तों, पहली एजिलिटी है, वो है इनहांस स्ट्रेंथ, यानी कि फोरआर्म्स का इनहांस स्ट्रेंथ है, वो किसी भी भारी चीज को उठा सकता है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके चार हाथ इनहांस स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाते हैं दोस्तों। और सेकंड चीज आती है इनहांस ड्यूरेबिलिटी, यानी कि वो किसी भी प्रेशर को या किसी भी चीज़ को टॉलरेट करता है एक अंत तक। और इसकी जो ताकत है दोस्तों, वो इनहांस, यानी कि किसी भी भारी चीज़ को उसी तरह से स्ट्रेंथ में आती है दोस्तों। ड्यूरेबिलिटी सर, यानी कि इसकी चोट इसे जल्दी नहीं लगती। और दोस्तों, तीसरी जाती है सोनिक क्लैप शॉक वेव्स, यानी कि अपने चारों हाथों से जो क्लैप करके एक शॉक वेव क्रिएट करता है दोस्तों, उसे ये अटैक भी करता है, और अपने बैटन के एपिसोड्स में कई बार देखा भी होगा। तो अगला आता है दोस्तों बैटन एजिलिटी इनहांस स्पीड, जो कि जो फोरहैंड से दोस्तों, वो हाई जंप कर सकता है, आपने देखा होगा ये 22-23 माले तक जंप कर सकता है दोस्तों। और इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है फाइटिंग में और कॉम्बैक्ट में भी दोस्तों। और अगली आती है दोस्तों इनहांस रिफ्लेक्सेस। तो इनहांस रिफ्लेक्सेस में दोस्तों, जो फोरहैंड से वो अपने पावर्स को किसी भी मूव में यूज़ करता है, यानी कि उसको कोई वीकनेस नहीं आती दोस्तों। और अगली है दोस्तों हीट रेजिस्टेंट, और हीट रेजिस्टेंट में दोस्तों इसे हीट यानी कि फायर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किकिन हॉक की। दोस्तों, अब बात करते हैं किकिन हॉक की। तो किकिन हॉक के पास इनहांस स्ट्रेंथ और इनहांस ड्यूरेबिलिटी है, जिसकी मदद से वो काफ़ी अच्छी एजिलिटी से बॉक्स अटैक। और दोस्तों, अगली है एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस, इसके अटैक से दोस्तों जो किकिन हॉक है काफ़ी तेजी से अटैक करता है। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है दोस्तों इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों, जो किकिन हॉक है उसकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी फोरआर्म से ज़्यादा, यानी कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होकर फाइट करता है ड्यूरिंग हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट। तो दोस्तों, आगे जो हम इसके बारे में बात करेंगे वो है इसकी शार्प शेडो ब्लेड्स और बॉडी स्पिन, यानी कि दोस्तों ये अपनी बॉडी को पूरी बहुत ही तेजी से स्पिन कर सकता है। और उसके हाथों में जो नेकल टाइप ब्लेड्स है वो इनकी मदद से काफ़ी तेज अटैक्स कर है, जबकि फोरआर्म्स के दो हाथ की जगह इसे फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा एफर्ट दे सकते हैं। और अगला है दोस्तों इसकी स्पेस में लिमिट स्पेस सर्वाइबिलिटी, यानी कि वो स्पेस में एक लिमिटिंग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी पावर सर्वाइबिलिटी, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बैटल की एंड की, बैटल कौन जीते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिजल्ट की, इन दोनों की अगर बैटल फाइट होती है तो उस फाइट में कौन जीतेगा। तो दोस्तों, इन दोनों की फाइट में कंडीशन अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि सिचुएशन इस पर ज़्यादा वो रहेगी, इसलिए अगर स्पेस में फाइट होती है तो किकिन हॉक्स ने आराम से जीत जाएगा, और अर्थ में फाइट होती है दोस्तों तो फोरआर्म्स इसमें जीत जाएगा। आई होप आपको पसंद आएगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।